पकड़ ऐसे पकड़ कितना लग रहा है मुझे आ सूज गया। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं फिर से दो दिन के बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं दो तीन दिन बाहर गया नहीं, इस वजह से मैं व्लॉग बना नहीं सका। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ इसीलिए मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बना लेते और मैं मोटो व्लॉग करके जाऊँगा। तो मेरे साथ आज रेडी हो गया है नियन और मैं, हम दोनों जन रेडी हो गए सुबह सुबह और अभी निकलते सीधा बाहर जाने के लिए। तो चलो गाइस अभी हम लोग रेडी हो गए दोनों और अभी बज रहे कितने 129 मतलब 130 हो रहे। शूज पहन लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो अभी हम लोग निकलते हैं मोटो ब्लॉक के लिए और हमें जाना है फुंडा गांव में। वहाँ पर जाके हमें बिरयानी लेके आना है क्योंकि आज खाने के लिए बिरयानी बनाएंगे और वैसे भी 130 हो गए। तो एवेंजर से जाएंगे। तो गाइस लिटरली मुझे सेटिंग करने में कम 15 मिनट लग गए क्योंकि जो माइक का कनेक्टर है वो मोबाइल को कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, इस वजह से थोड़ा टाइम हो गया। तो अभी हम लोग निकल गए फाइनली। और गाइस ये जो रोड था अपना वो बंद कर दिया ये लोग ने क्योंकि यहाँ पर रेलवे ट्रैक डाल दिया है। तो अभी यहाँ से एक रोड है मतलब बनाया हुआ पर वो अभी तक पक्का नहीं है। देखो कैसा हो रहा है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, अगर चालू होगा तो अच्छा है। देखो यहाँ पर सब ट्रैक डाल रहे हैं, देखो कोई पूरा इधर से हमारा रोड था, हम लोग इधर से सीधा ऐसे आते थे पर अभी आने को नहीं जमता क्योंकि बंद कर दिया है रोड। और अभी अभी ट्रैक से हमें जाना पड़ता है। नियन थोड़ा पीछे बैठ जा भाई। ये देखो मेरी एवेंजर की ग्लास कैसी हो रही है, देखो पूरी हिल रही है, इसको टाइट करना पड़ेगा मुझे घर पे जाके। तो अभी हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले थोड़ी देर में, सिर्फ 2 मिनट का रोड रह गया था। हमें यहाँ से टर्न लेना है और हमें सीधा जाना है बिरयानी वाले के पास। डेस्टिनेशन पहुँच गए बिस्मिल्लाह दम बिरयानी एंड कैटरिंग्स, जहाँ पर अच्छी बिरयानी मिलती है। तो चलो यहाँ से बिरयानी ले लेते हैं। कितना चार खोलना बस इतना ही चल नियन तो दे। तो गाइस यहाँ से हम लोग ने बिरयानी तो ले लिए पर अभी मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि दादा और मम्मी अभी तक आए नहीं। नियन तू पकड़ के बैठेगा ना, पीछे बैठना ही पड़ेगा ब्रो, रुक आ जा, तुझे बैठा था पहले। यस मैंने तुझे पकड़ के बिठाया, तू रुक जा ऐसे। इधर किधर से पकड़ ऐसे पकड़। कितना लग रहा है मुझे आ सूज गया। लिटरली बहुत ज़्यादा गर्म है सीट, नियन सच बोल रहा था, उसको सच में चटका लगा है उसके बम पे। नियन तेरे को चटका लग रहा है? हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा पेड़ है
और सब एरिया में पेड़ मतलब चाहिए ही चाहिए। आजकल बिल्डिंग्स के लिए बहुत सारे लैंड का यूज़ हो रहा है, बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। हमें सबको प्लांट सेव करना चाहिए। मेरे खुद के घर में ना कम से कम 10-15-20 प्लांट्स तो होंगे ही होंगे। यहाँ पर अगर जूस मिल गया ना तो जूस, हाँ कुछ तो है, गोला है, गोला है क्या? हाँ गोला ही है। यहाँ पर हम लोग अभी रुके हैं और यहाँ से हम लोग नीरा पी लेते हैं। यहाँ पर नीरा वाला है, अनियन नीरा पिएगा ना, पिएगा तो दूसरे अंकल एक नीरा दे दो। और यहाँ से अभी हमारी गाड़ी आएगी और हम लोग बिरयानी मम्मी को दे देंगे। हम लोग ने नीरा पी लिया है और अभी बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी गर्मी हो रही है ना, लिटरली क्या ही बोलूँ आपको। पर अभी नीरा पी के थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया हूँ मैं और नियन भी। और अभी तक हमारी गाड़ी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, देखो आ गई, ये देखो आ गई। उनको अभी हम लोग ने यहाँ पर भगा दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। तो अभी हम लोग सुकून से मोटर व्लॉग करेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर अभी रुका था चेक करने के लिए कि रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं है, पर मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया पर रिकॉर्डिंग सीरियसली चालू नहीं थी और मेरा पोपट हो गया है और एक बार। और दादा क्या कर रहा है? तो ये देखो यहाँ पर और एक मारुति सुजुकी का शोरूम ओपन हुआ है अभी अभी नया नया, मतलब उरन में ऐसा पहला शोरूम है जो ओपन हुआ है मतलब कार का, क्योंकि इतने दिन तो था ही नहीं। अभी रेलवे स्टेशन होने वाला है तो अभी सब धीरे धीरे डेवलप होगा यहाँ पर। और नियन को भी मैंने दादा के साथ ही भेज दिया था क्योंकि वो भैया ट्राई कर रहा है मेरा। तो चलो पहुँच गए घर पे। गाड़ी पार्क करने का टेंशन, गाड़ी कहाँ पर पार्क करूँ? तो गाइज अभी हम लोग घर पे आ गए। मेरे बाल देखो कैसे हो रहे जोकर लग रहा हूँ मैं। हाँ तो अभी हम लोग घर पे आ गए और अभी मैं कर लेता हूँ लंच। तो गाइज अभी मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ, लंच कर लिया और अभी खाने के लिए बैठा हूँ। आज खाने में लाया है मलाई बिरयानी जो कि यहाँ की फेमस है, मतलब वो शॉप की फेमस थी। और ट्राई करते कैसी टेस्ट है। और अभी बज रहे हैं 2 और मैं 2 बजे लंच कर रहा हूँ। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 4:30 और मैं अभी वर्कआउट चालू कर रहा हूँ। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है बाहर। अभी मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है वर्कआउट करके। थोड़ा बॉडी में ऐसी ताकत जैसे आ गई, थोड़ी एनर्जी आ गई। अभी खाऊंगा बनानास और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। पर आज का डे तो ऐसे निकल गया, देखो बाहर रात हो गई, मतलब शाम हो गई, रात होने में अभी 1 घंटा बाकी है क्योंकि 7 बज रहे अभी। तो अभी बहुत टाइम है तो देखेंगे अभी क्या करना है। मेरा तो ऐसा सोने का मन कर रहा है अभी बहुत ज़ोरों से, क्योंकि अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ नहा धो के, मतलब 2 बार नहाया हूँ मैं, क्योंकि समर में तो 2 बार नहाना ही चाहिए सबको, इतनी गर्मी कौन रहेगा। तो चलो अभी देखेंगे क्या करना है। तो गाइस अभी अभी मैं उरन में जाके आया हूँ, थोड़ा सा काम था तो वो करके आया हूँ, थोड़ा पर्सनल काम था आपको नहीं बता सकता और दिखा भी नहीं सकता कि क्या काम था, पर कुछ तो काम था वो करके मैं आ गया। और अभी बज रहे हैं 8:36 एंड अभी करेंगे डिनर। और डिनर के लिए बनाया मेरी फेवरेट वाली सब्जी जिसका नाम है चिकन। और तो गाइज अभी मैं गैलरी में मेरे बैठा हूँ और अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। और रुको आपको दिखा रहा हूँ, हाँ ये देखो 10 बज रहे हैं और मैं मेरे गैलरी से अभी बैठ के मैंने ये लेंस लगाए मेरे कैमरे में 55
एमएम से 250 एमएम डीएसएलआर से दिखा था वो मून वीनस और मार्स। हाँ मून जो मैंने बहुत मेहनत के बाद अभी एडजस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इतना हिल रहा है ना मेरे हाथ से कैमरा। तो भाई जब मैंने देखा तो मुझे मून भी दिखा, मार्स भी दिखा और वीनस भी दिखा, पर अभी जब मैं देखने गया पर मुझे नहीं दिखे क्योंकि बहुत मच्छर थे वहाँ पर। लिटरली मेरे पैर पूरे खाली है मच्छर ने, तो मच्छर ने मेरे पैर खा लिए और मैं अभी खा रहा हूँ केरी। यम्मी लग रहा है देखो, अब जाते और खा लेते फटाक से केरी और उसके बाद सोएंगे और ब्लॉग को बैंड करेंगे। गाइस अभी बज रहे हैं 11:16 और 11:17 हो गए अभी, तो अभी मैं यहाँ पर ही ब्लॉग एंड कर देता हूँ क्योंकि बाहर सब लोग पिक्चर देख रहे और मुझे भी KGF देखने का बहुत मन कर रहा है। KGF पार्ट 1 देख रहा हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अभी थिएटर में रिलीज़ हो गया है, तो कभी ना कभी जाएंगे चैप्टर 2 देखने के लिए कंफर्म। तो अभी मैं यहाँ पर ही ब्लॉग एंड कर देता हूँ। आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने सुबह सुबह मोटर ब्लॉगिंग की और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, बस अपना डेली का जो काम रहता है वो ही कर लिया। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए। बाय।